13 और 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कला मंच पर बीकानेर एक बार फिर दस्तक दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के जरिए। रेत के अथाह समंदर के बीच बसा बीकानेर देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। लेकिन रेगिस्तान का ये जहाज ऊंट, जिसे देखने हजारों किलोमीटर से आते हैं सैलानी, ऊंट की पीठ पर नक्काशी को देखकर अचंभित हो जाते हैं। ऊंट की खाल पर उकेरी कृष्ण लीला जहां सजीवता का एहसास करवाती है, तो भगवान शिव का ध्यान और पार्वती का स्नेह चमत्कृत कर देता है। यही नहीं, ऊंट की पीठ पर नाचते मोर आंखों को सुकून देते हैं। स्वरूप देशर के गोविंद राम फूले नहीं समाते हैं कि उनकी कला को देखने के लिए, उनकी मेहनत को निहारने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और कैमरे में कैद कर ले जाते हैं सात समंदर पार इस अद्भुत कला को। सच में अलौकिक, अविस्मरणीय, खूबसूरत, मनमोहक और सभी के आकर्षण का केंद्र रहती है फर कटिंग प्रतियोगिता। इस कला को 100-100 सलाम। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की पहचान है फर कटिंग प्रतियोगिता, या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का एक मुख्य किरदार है फर कटिंग प्रतियोगिता। ऐसा लगता है कि हजार हवेलियों के इस शहर में ऊंट पर जिस तरह हवेलियों पर नक्काशी उकेरी है, वही सुनहरी नक्काशी ऊंट की पीठ पर देखने को मिलती है। सच में सपने के सच होने जैसा है, कल्पनाओं को मूर्त रूप देने जैसा है फर कटिंग प्रतियोगिता।